तो हे गाइस, दिस इज़ माफिया। वेलकम टू माय न्यू वीडियो रेडमी नोट 7 प्रो का लैग इशू के बारे में। तो ये वीडियो पार्ट 2 होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं बोल रहा हूँ कि अब जो बोल रहे थे, एक कमेंट आया था मेरे को कि भाई सॉल्व नहीं हुआ, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो उसके लिए मैं एक और वीडियो बना दिया। तो ब्रो, तुम तो पहले अल्ट्रा में खेलते थे यार, तो अब हाई में खेल रहे हो, तो कुछ देर ऐसा लगेगा ही, थोड़ी देर बाद अपने आप ठीक हो जाएगा भाई। 2-3 दिन खेल के देखो, अगर रिजल्ट नहीं मिला ना तो अपने भाई को गाली दे देना ब्रो। 2-3 दिन यूज़ करके देखो। तो वीडियो में क्या कैसे क्या करना है आपको सब दिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना दोस्तों, आपका ही फ़ायदा होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको पहले सेटिंग में जाना होगा, क्योंकि सेटिंग में जाने के बाद आपको फ़ोन को रीसेट मारना होगा। रीसेट सेटिंग में जाने के बाद अबाउट फ़ोन सेक्शन में जाना पड़ेगा, अबाउट फ़ोन में जाना पड़ेगा। उसके बाद नीचे की तरफ देखिए, बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन है, तो आपको बैकअप एंड रीसेट ऑल डाटा इरेज कर लेना होगा। फ़ोन को फुल नए तरीके से ऑन करो यार, ऑल डाटा इरेज कर दो। और एक बात, अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करके रिकॉर्ड करना चाहते हो तो वो सेटिंग भी मेरा देख लो, कौन सा सेटिंग है मेरा। तो स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करके दिखाता हूँ आपको मेरा सेटिंग। रेजोल्यूशन 1280x720 रखना, वीडियो क्वालिटी 4 Mbps रखना, और फिक्स फ्रेम रेट को ऑफ कर लेना, ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फिक्स फ्रेम रेट ऑन होगा तो आपका गेम लैग होगा, तो आपका वीडियो में भी वो दिखाएगा कि लैग हुआ। तो इसको ऑफ ही कर लेना। उसके बाद सिक्योरिटी सिस्टम में जाना पड़ेगा, सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी पे जाने के बाद आपको गेम स्पीड बूस्टर मिलेगा, एक गेम स्पीड बूस्टर MI के मोबाइल पे रहती है, तो इसको ऑफ कर लेना होगा। ये अगर ऑन है आपके मोबाइल पे तो इसको ऑफ कर लेना होगा, गेम टर्बो इसको ऑफ कर देना। मैं जो जो बता रहा हूँ ये सभी करना है आपको, करके देखो एक बार भाई। अगर रिजल्ट नहीं मिला ना तो आके गाली दे देना। मैं जो जो इस वीडियो में बोल रहा हूँ ना वो सब करके देखो। आप तो, मैं भी पहले अल्ट्रा में ही खेलता था दोस्तों। अल्ट्रा में खेलने के बाद मुझे बहुत ही दिक्कत आ रहा था। पहले मैं हाई पे ही खेलता था, लेकिन एक दोस्त ने बोला मेरे को कि हाई अल्ट्रा में खेल खेलेंगे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अल्ट्रा में खेल के मेरा बहुत ही गेम लैग होता था। बाद में मुझे ये सब करने से मेरा गेम पहले जैसा हो गया, अब ठीक ठाक चलता है ब्रो, अब कभी चलेगा। तो चलिए आपको मेरा पबजी का ग्राफिक सेटिंग दिखाता हूँ, मैं कैसे यूज़ करता हूँ। स्मूथ एंड हाई पे यूज़ करना, और कलरफुल कर देना। और जो जो सेटिंग है आप तो देख ही रहे होंगे, सब ऐसे कर देना है ग्राफिक्स को। इसके बाद आप पबजी खेलो, 2 दिन भर खेलो, 2 दिन के बाद रिजल्ट नहीं मिला तो आके कमेंट में गाली दे देना दोस्तों।